वी रीड इन आवर अर्लियर पैसेजेस नाउ नेक्स्ट पैरा आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री बिकॉज इन अर्लियर पैसेज यू हैव रीड नाउ दैट मंडेला इज सेइंग दैट नो वन कम्स और टेक्स बर्थ विथ द नेचर ऑफ हेट नफरत करने की प्रवृत्ति के साथ मंडेला कह रहे हैं कि कोई जन्म नहीं लेता है बल्कि वह समाज में यह आदत सीख जाता है या हेट करने की प्रवृत्ति सीख जाता है बल्कि इसके अपोजिट जो लव है वह प्रकृति प्रदत्त होता है भगवान के यहाँ से ही प्यार करने का गुण या कैरेक्टरिस्टिक व्यक्ति में होता है और लोग उसे डेवलप करते हैं यहाँ आकर लेकिन नफरत करने की शक्ति जो है इच्छा जो है या हैबिट वह यहाँ आकर के हमें सीखने को मिलती है उसी चीज को ये कह रहे हैं कि आई वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री मंडेला इज सेइंग दैट आई मिस मंडेला वॉज नॉट बॉर्न विथ अ हंगर टू बी फ्री मीन्स वांट ऑफ टू गेट फ्रीडम मिस मंडेला इज सेइंग दैट व्हेन ही टुक बर्थ एज अ लिटिल चाइल्ड इन बॉर्न चाइल्ड अबोध चाइल्ड When he grown up as a child, became an adult person, yet he was not knowing about the slavery and freedom. But in earlier passage he has said that when he, that is Mandela, started to perform his teen obligations, that is obligation related to his family and the obligation towards his nation and society. But He was busy only now till only in obligation of the family, mother, father, mummy, papa, daddy, beta, beti, etc. यानी पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों में ही वह बिजी थे अभी समाज या सोसाइटी को तो सोचे ही नहीं थे तभी suddenly then he came to realize that no, there was a great difficulty in his nation, in the name of discrimination, in the name of slavery. In performing the obligation for the black people than to the other white-skinned people. वह जब फैमिली की जिम्मेदारियां ही अभी निभाना शुरू किए तभी उन्हें ऐसा झटका लगा ऐसे ऐसे हर्डल्स एंड प्रॉब्लम्स आए कि वह इस निष्कर्ष पे पहुंचे उन्हें समझ आएगा कि अरे नहीं ये तो बहुत बड़ी समस्या है जिम्मेदारियां निभाने में इट इज नॉट ईजी टू परफॉर्म ऑब्लीगेशन ड्यूटी इन सच डिस्क्रिमिनेटेड स्लेव्ड सोसाइटी इंडिपेंडेंट सोसाइटी सॉरी डिपेंडेंट मीन्स विच इज बींग रूल्ड बाय द इंग्लिश पीपुल तब समझ में आया कि अरे ये तो बहुत गड़बड़ हो गया आई वॉज बॉर्न फ्री कह रहे हैं कि मैं जो है हंगर टू बी फ्री मैं आजाद होने की भूख के साथ नहीं जन्म लिया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि दासता क्या होती है क्योंकि प्रतिक्रिया तभी होगी जब क्रिया होगी इन्हें क्रिया का एहसास क्रिया यानी कि स्लेवरी दास्ता विघ्न बाधाओं का एहसास कब हुआ जब ये जिम्मेदारियां निभाने लगे जब विघ्न बाधाओं का एहसास हुआ तब इनकी इच्छा हुई कि नहीं मैं इनसे आजाद होऊंगा तो कह रहे हैं कि मैं जो है एक आजाद होने के भूख के साथ नहीं जन्म लिया था बल्कि आई वॉज बॉर्न फ्री मेरा तो जन्म ही फ्री हुआ था भगवान की तरफ से फ्री मुक्त बनाकर मैं भेजा गया था एज ए ह्यूमन बींग जैसे हर मानव जाति को मानव जाति होने के नाते आजाद करके भगवान भेज देते हैं इस दुनिया में जीने खाने के लिए ठीक उसी तरह से मुझे भी उन्होंने भेजा था फ्री इन एवरी वे मीन्स इन एवरी डायरेक्शन इन एवरी डिजायर विश परफॉर्मेंस एवरी ड्यूटी ही वॉज फ्री फ्रॉम द बर्थ भगवान ने उसके हर एक इच्छाओं और कार्य को करने के लिए उसे फ्री बनाकर जन्म दिया था कि तुम आजाद हो यू कैन डू ईच एंड एवरी थिंग व्हाट एवर यू वॉन्ट टू डू अंडर द कंडीशन नॉट टू हार्म अदर वन मीन्स यह शर्त थी यह स्थिति होती है भगवान की तरफ से कि किसी का नुकसान मत करो बाकी तुम अपनी जगह फ्री हो आजाद हो आई को कुड नो फ्री टू रन इन द फील्ड्स जानते थे ये कि मैं अपने खेतों में आजाद घूमने दौड़ने के लिए था आजाद नियर माई मदर्स हट मेरी माँ की झोपड़ी के अगल बगल मेरी फैमिली के घर के अगल बगल जो खेत खलिहान सिवान ओपन फील्ड थे उनमें मैं फ्रीली दौड़ने के लिए खेलने के लिए जन्म लिया था फ्री जन्म था मेरा भगवान ने जन्म दिया था फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम साफ सुथरी धाराओं में झरनों में तैरने के लिए मैं
जन्म लिया था. दैट रन थ्रू माई विलेज फ्री द टू रोस्ट मेलीज. मेलीज मीन्स मांस होता है, रोस्ट मीन्स भुनना. तो कह रहे हैं कि वो ये आजाद जन्म लिए थे, फ्री थे. ही वॉज फ्री टू रोस्ट द मीट इन द ओपन फील्ड अंडर द ओपन स्काई अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल. और तो और वह अपने जीवन में आजाद रहने के लिए, अपने जीवन को आजादी से जीने के लिए वह जन्म लिए थे. वह हर तरफ से फ्री थे. उन्हें कोई जरूरी कि वह सोचते कि दास्ता क्या होती है. ही वॉज टोटली फ्री. तो ऑल दीज आर बींग कंपेयर्ड हियर बाई द मंडेला दैट फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम. इसका उनके कहने का मतलब है कि मैं आजाद था अपने स्ट्रीम यानी जो क्लियर साफ सुथरी धारा थी उसमें तैरने के लिए. ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन यह था, जैसे हमारे आपके यहाँ आजाद पात छुआ छेद था कि जो बैकवर्ड जैसे शूद्र वो हरिजन और अदर कास्ट के लोग हैं, पानी नहीं कुएं का छू सकते. लोग गंदा है सोचते थे कि छू देगा गंदा हो जाएगा. गंगा नदी में किसी पानी में गया गंदा हो गया तो हम जो VIP लोग थे वो लोग कैसे तैरते. तो इन लोगों को प्रोहिबिटेड किया गया था, जाने ही नहीं दिया जाता था. तो वही ये कह रहे हैं कि जैसे वो वहाँ जा सकते थे वैसे हम भी जाने के हकदार थे और भगवान ने मुझे वहाँ जाने के लिए भेजा था. एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर. कह रहे हैं कि एज लॉन्ग एज मीन्स अप टू हिम. जब तक कि आई ओबेड मैंने पालन किया माई फादर एंड अपने माता पिता या पिता के आदेशों का पालन किया. अबाइड बाई मीन्स पालन करना. ओबेड एंड अबाइडेड बाई द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब. और अपनी जात पात जो मेरी जाति थी, जो समूह था मेरा, उस ट्राइब के कस्टम्स रीति रिवाज और परंपराओं का जब तक मैंने पालन किया, जब तक फॉलो किया. अप टू व्हेन आई फॉलोड द कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब सिविलाइजेशन ऑफ माई ट्राइब एंड मोर देन दिस आई ओबेड माई फादर कमांड ऑफ द फादर. अप टू व्हेन मंडेला इज सेइंग दैट ही हैड बीन फ्री. जब तक वो अपने पिता की आज्ञा को माने, जब तक अपने जाति समूह के नियम रूल्स कस्टम्स को फॉलो किए कि अगर हम लोग वंचित हैं वहाँ नहीं जाना है, तो वो लोग नहीं जाते थे तो ये भी नहीं गए. तब तक तो ये फ्री रियलाइज किए क्योंकि मन में ही था कि फ्री हैं हम, चलो ऐसे ही करना है. बट व्हेन ही ट्राइड टू गो ट्राइड टू ओवर रूल ऑल दीज कस्टम्स व्हेन ही ट्राइड टू ब्रेक ऑफ ऑल हिज All those customs which were restrictions, discrimination on his tribe, as soon as he realized that he was, that is Mandela was not free. Tribe, I was not troubled by the laws of man or God. कह रहे हैं कि जब तक मैंने follow किया तब तक ना भगवान के नियमों के द्वारा मुझे कोई परेशानी हुई और ना ही मानव के नियमों के द्वारा मुझे परेशानी हुई, जो कि रूल नए नए बनाए गए थे अंग्रेजों द्वारा. लेकिन जो ही मैंने इसे तोड़ना शुरू किया, जो ही मैं अपने अकॉर्डिंग जीना की इच्छा कर रखने लगाया, तो ही हमें समस्याओं का सामना करना पड़ गया. इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन. कह रहे हैं कि इट वॉज ओनली, यह सिर्फ उस समय की बात है. व्हेन जब आई बिगेन टू लर्न, जब मुझे यह आई बिगेन टू लर्न मीन्स व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे पता चला दैट कि माई बॉयहुड फ्रीडम, कि मेरे बॉयहुड बचपन का जो फ्रीडम आज़ादी है, वॉज एन इल्यूजन. इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, जैसे कि रस्सी को सांप, सांप को रस्सी समझ लेना अचानक. तो कह रहे हैं कि जब मुझे परेशानी कब आना शुरू हुई, पेज नंबर 22 कह रहे हैं कि जब मुझे परेशानी लोगों से कब आना शुरू हुई, जब मुझे यह लगा कि अरे जो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे बचपन से जो मैं आज़ाद हूँ, वह आज़ादी तो एक इल्यूजन, एक भ्रम मात्र थी, रियलिटी वाज समथिंग अदर. तब ही हैड टू स्टार्ट टू फेस प्रॉब्लम, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा.
व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने पता, जब मुझे पता चला, जब मैं यह जाना, एज अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति के रूप में, दैट कि माई फ्रीडम, कि मेरी आज़ादी, हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, हैड ऑलरेडी बीन टेकन मीन्स हैड बीन स्नैच्ड, छीन ली गई है। जब इन्हें एहसास हुआ कि युवा के रूप में, क्योंकि एक युवा व्यक्ति बहुत कुछ अपने बारे में सोचता है, और जब वह सोचता है तो नॉर्मल सी बात है, एकदम डेमोक्रेटिक, यानी आज जो आपका देश है इस आज़ाद देश में भी अगर आप अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं, जीना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं सोसाइटी से, समाज के नियमों से, सोसाइटी से आपका क्लैश होता है। तो वहाँ तो इसका देश इनका पूरा का पूरा गुलाम था। तो वही ये कह रहे हैं कि जब मैं एक युवा की तरह जीने की कोशिश किया, उस समय मुझे पता चला कि अरे ये तो बचपन में ही छीन ली गई है। दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और कह रहे हैं कि तब दैट मीन्स उसी क्षण, द सेम मोमेंट आई बिगेन टू हंगर, मेरी जो भूख थी वह बढ़ने लगी, अपनी भूख को मैं बढ़ाने लगा। फॉर इट, इट मीन्स फ्रीडम, जब मैं समझा कि अरे ये तो सब गड़बड़ है, हम लोग तो आज़ाद हैं ही नहीं, हमारे अधिकार तो हमारे पास हैं ही नहीं, तो कि तब उसी क्षण से यह मेरी आज़ादी का सपना बढ़ने लगा, मेरे अंदर आज़ादी की भूख जगने लगी। एट फर्स्ट, सबसे पहले एज अ स्टूडेंट, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कह रहे कि एज अ स्टूडेंट मंडेला वॉन्टेड ओनली टू बी फ्री फॉर हिमसेल्फ। शुरू में कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अपने लिए आज़ादी चाहता था, कि मैं तो कम से कम पर्सनली आज़ाद रहूँ। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बींग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कह रहे हैं कि ट्रांजिटरी फ्रीडम, और सिर्फ वो भी कैसा, ट्रांजिटरी फ्रीडम, ट्रांजिटरी मीन्स एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे जगह स्थान पर टिक जाना, बस जाना, रह जाना, रुक जाना। तो कह रहे हैं कि मैं सिर्फ यह आज़ादी चाहता था कि यहाँ से चलूँ तो रात को कहीं आज़ाद फ्री घूम सकूँ, ऐसा ना हो कि कोई पाए और पकड़ के बंद कर दे मुझे उग्रवादी कह के। नहीं, मेरा देश, मेरी ज़मीन, मैं जहाँ जाऊँ, जब जाऊँ, जैसे जाऊँ, जैसे रहूँ, मैं फ्री रहूँ। मिस मंडेला इज सेइंग दैट ही वॉन्टेड टू बी फ्री ओवरऑल एट ऑल इन ईच एंड एवरी कंडीशन एट ईच एंड एवरी टाइम मोमेंट फ्रॉम द अदर रूलर्स। रीड व्हाट आई प्लीज, जो कुछ मैं पढ़ना चाहता था उस चीज़ को मैं पढ़ूं। एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं चुना, जहां भी जाना चाहूं मैं वहां पे मैं जाऊं, जा सकूं। दैट वॉज हिज डिजायर, दैट वॉज हिज फ्रीडम नेचर। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, कह रहे हैं कि बाद में एक युवा के रूप में जोहान्सबर्ग में, आई अर्न फॉर द बेसिक, आई अर्न YERN, यर्न मीन्स होता है टू बिकम इंक्लाइंड टूवर्ड्स समथिंग, किसी चीज की तरफ उन्मुक्त होना। तो कह रहे हैं कि एज अ युवा जो था मैं, यर्न मेरी इच्छा हुई, अभिलाषा हुई, गहरी लालसा हुई, फॉर द बेसिक, बेसिक मीन्स मूलभूत, एंड ऑनरेबल, गरिमामय, सम्माननीय, फ्रीडम्स, आजादी, ऑफ अचीविंग, प्राप्त करने के लिए माई पोटेंशियल, दैट इज आंतरिक, ऑफ अर्निंग माई कीप, ऑफ मैरिंग, ऑफ अर्निंग माई कीप मीन्स जो मेरी कमाई है उसे मैं खुद रखूं, हम काम करें और अंग्रेज ले जाएं, दैट वॉज नॉट प्रॉपर फॉर हिम। तो कह रहे हैं कि जो भी हम लोग कमाएं, हम कमाएं वो मेरे पास हो, कोई दूसरा हम पे टैक्स लगा के इम्पोज करके छीन ना ले। जैसे आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हो कि हमारे देश के जमींदारों और राजाओं पर अंग्रेजों ने इतना टैक्स लगा दिया, इतना टैक्स लगा दिया कि वो बेचारे टैक्स देते देते बर्बाद हो गए, घर से भरना पड़ा उन्हें। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, जो मैं अपनी मेहनत से कमाऊँ तो वह मैं अपने पास रखूँ। इस फ्रीडम के लिए वो लड़े, इस फ्रीडम की चाहत इनके हृदय में हुई। ऑफ मैरिंग, शादी करने की आज़ादी, कि जब मन चाहे करूं शादी, अगर ना मन करे तो ना करूं। एंड हैविंग अ फैमिली, और मेरी भी एक फैमिली हो। सच वाज द नेचर, सच वाज द विश, यर्निंग डिजायर ऑफ द नेल्सन मंडेला, एंड ड्यू टू ऑल दिस रीजन ही द हंगर ऑफ फ्रीडम arose in his heart, in his mind, and then he became a revolutionary person, joined the revolutionary team, that is Krantikari team, and thus became the most important freedom fighter, and later became the first black president of the South Africa. Marrying and having family, the freedom not to be obstructed in a lawful life, kare ki the freedom, वैसी आज़ादी चाहता था, वह आज़ादी
नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड मीन्स होता है बाधित होना, बाधित होना, रोक टोक होना, यानी ऐसी फ्रीडम कि जिस फ्रीडम में कोई रोक टोक ना हो। अगर वो मैं अपना जीवन लाफुल एक कानून का बना हुआ कानूनी तौर तरीके से अपना जीवन जी रहा हूँ और उसमें कोई विघ्न बाधा न आए, वैसी फ्रीडम मैं चाहता था। मैं यह नहीं कहता, वो कह रहे हैं मंडेला इज नॉट सेइंग दैट ही वांटेड टू बी फ्री टू लिव हिज लाइफ इलीगली, गलत तरीके से जीवन जीने के लिए वो आजादी नहीं चाहते थे। ही वांटेड फ्रीडम ओनली टू लिव हिज लाइफ लॉफुली, दैट्स ऑल। बट देन, लेकिन तभी आई स्लोली, धीरे धीरे सा महसूस किया दैट कि नॉट ओनली वाज आई, कि सिर्फ मैं ही नहीं, नॉट फ्री, सिर्फ मैं ही आजाद नहीं हूँ, मीन्स नॉट ओनली वाज आई नॉट फ्री, मीन्स सिर्फ मैं ही नॉट फ्री, आजाद नहीं हूँ, दैट इज सिर्फ मैं ही एक दास नहीं हूँ, मैं मुझे ही अनेकों बाधाएं और दास्ता में नहीं बंधा हो। बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मेरे भाई बहन, दैट इज माई सोसाइटी, माई फैमिली ऑल्सो, वे आर नॉट फ्री, माई कंट्री वॉज नॉट फ्री, ओवल आर ही वॉन्ट्स टू से। आई सा मीन्स ही केम टू नो दैट कि इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम, ही केम टू नो दैट इट वॉज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल्ड, कर्टेल्ड मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, कंट्रोल्ड, स्नैच्ड। उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ उन्हीं की आज़ादी नहीं छीन ली गई है, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन, बल्कि हर एक की आज़ादी छीन ली गई है। हु लुकड लाइक आई डिड, जैसे कि मैं ब्लैक दिखाई देता था और मेरी आज़ादी छीन ली गई थी, उसी तरह से मेरे जैसे कमजोर और ब्लैक दिखाई देने वाले और डिफरेंट कलर स्किन रखने वाले जो हैं वह भी इसी तरह से दिखाई देते थे, वह भी जो थे उनकी भी आज़ादी छीन ली गई थी। दैट इज व्हेन, यही वह समय है, वही यह समय था जब आई ज्वाइंट द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, दैट वॉज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस वॉज द टीम ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स एंड लेटर आफ्टर फ्रीडम इट बिकेम द पार्टी, रूलिंग पार्टी ऑफ द अफ्रीका लाइक पॉलिटिकल अदर पॉलिटिकल पार्टीज। एंड दैट इज व्हेन, उसी समय द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम, और यही क्षण था जब मेरी अपनी आज़ादी की भूख बिकेम द ग्रेटर हंगर, एक बहुत बड़ी भूख, एक अभिलाषा, एक हवस बन गई फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों, यानी मेरी जो अपनी आज़ादी की ललक थी, जब मुझे पता चला कि मेरे अपने भी आज़ाद नहीं है, मेरी सराउंडिंग, मेरा वातावरण आज़ाद नहीं है, तो यही चीज़ इनकी भूख बन गई, भूख बढ़ गई, और तब ये डिसाइड किए कि अब हम अपने को ही नहीं बल्कि अपने पूरे देश को, अपने पूरी सोसाइटी को, आई विल मेक आई फ्री टू माई ऑन होल कंट्री, द होल सराउंडिंग, द होल पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका। एंड ड्यू टू दिस रीजन नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी विच वॉज एट दैट टाइम ड्यूरिंग द इंग्लिश रूलर, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश रूल, इंग्लिश रेन वॉज द पार्टी ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स, दैट वॉज द रिवोल्यूशनरी पार्टी, क्रांतिकारी पार्टी। इट वॉज दिस डिजायर, यह वही एक गहरी लालसा थी फॉर द फ्रीडम, आज़ादी के लिए, ऑफ माई पीपुल, मेरे लोगों की, टू लिव देयर लाइफ विथ डिग्निटी, कि अपने मेरे लोग जो हैं अपना देयर लाइफ, अपने जीवन जो है वो विथ डिग्निटी, सम्मान से, गरिमा से जिए, एंड सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान से जिए, दैट एनिमेटेड माई लाइफ, एनिमेटेड मीन्स सपोर्टेड, फिल्ड विथ एनर्जी। कह रहे हैं कि यह मेरी जो लालसा थी बदल गई अब मेरे अपनों की लालसा में, कि जैसे मैं आज़ाद होना चाहता हूँ वैसे ये भी आज़ाद होना चाहते हैं, इसलिए मैं आज़ाद होऊंगा साथ ही साथ उन्हें भी आज़ाद कराऊंगा। और वही जो उनकी आज़ादी को कराने का मेरा सपना था कि मैं उन्हें, अपने लोगों को, अपने देश को सम्माननीय जीवन दूंगा, सम्माननीय गरिमा दूंगा, यही जो थी सोच मेरी अपने लोगों के प्रति, मेरे लिए एनिमेटेड प्रेरणा बन गई, प्रेरणा की स्रोत बन गई। एंड द नेल्सन मंडेला बिकेम द मोस्ट फेमस फ्रीडम फाइटर ऑफ द साउथ अफ्रीका, एनिमेटेड माई लाइफ, दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटेंड, दैट मीन्स वह, व्हाट दैट मीन्स वह मीन्स, यहाँ जो कह रहे हैं कि हंगर ऑफ फ्रीडम ऑफ द मंडेला, यानी मंडेला की जो आज़ादी की भूख थी, यह जो डिज़ायर थी कि हम अब अपने को नहीं अपने लोगों को आज़ाद कराएंगे, उस चीज़ के लिए दैट कह रहे हैं, प्रोनाउन इसका है, वह डिज़ायर, वह थिंकिंग जो थी ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड कर दिया, और फ्राइटेंड, डरपोक, कायर, भयभीत व्यक्ति को, यानी मंडेला को, यंग मैन, इंटू अ बोल्ड वन। अब ये जो थे मंडेला, यह सोच कर, वह सोच इन्हें एक बोल्ड बहादुर में बदल दी थी, जबकि इससे पहले वह डरा करते थे।
दैट ड्रोव इन खींचना ले आना, दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, कह रहे हैं कि वह चीज जो लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी, अटॉर्नी का मतलब होता है एक पोस्ट होता है गवर्नमेंट का, तो कह रहे हैं कि मैं जो गवर्नमेंट का पोस्ट था, एक सभ्य जीवन था, उसे छोड़ करके एक क्रिमिनल की तरफ लाया, यानी एक रिवोल्यूशनरी मुझे क्रांतिकारी बना दिया, और क्रांतिकारी बनते ही मैं अंग्रेजों के नजर में एक क्रिमिनल बन बैठा। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड इन टू अ मैन विदाउट अ होम, कह रहे हैं कि और वही सोच एक व्यक्ति यानी मैं जो अब तक फैमिली को अपने प्यार करने वाला था, उसी ने मुझे ऐसा बदल दिया कि अब फैमिली छोड़ करके मैं एक अकेला एकांत रहने वाला घूमने वाला व्यक्ति बन गया, अब एक क्रांतिकारी की तरह जीवन जीने लगा। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, वह जो सोच थी एक जीवन को प्यार करने वाले व्यक्ति को एक मोंक साधु की तरह जीने पर विवश कर दिया, प्रेरित कर दिया। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अब देखा उसके बाद मुझे सोचने लगा कि मैं जो हूँ उतना सादा और वर्चुअल यानी सादगी भरा और अच्छाई भरा व्यक्ति नहीं हूँ जैसा कि दूसरा है। नेक्स्ट मैन का मतलब अब मेरे इर्द गिर्द जो अदर पीपुल थे, सेम दोज पीपुल एज दोज वेयर कल्प्रिट, अपराधी थे, आई वॉज ऑल्सो सेम लाइक देम, क्योंकि जो भी क्रांतिकारी होता था अंग्रेजों के नज़र में अपराधी था, ये भी क्रांतिकारी हो गए, तो अब कह रहे थे कि अब उन अपराधियों से अधिक बुरा अच्छा मैं नहीं था, मैं भी बल्कि उन्हीं की तरह अपराधी की श्रेणी में ही आ गया था, क्रिमिनल बन गया था क्रांतिकारी का पथ अडॉप्ट करते हुए। बट आई फाउंड, लेकिन मुझे लगा, मैं पाया दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड, कह रहे हैं कि उसी बीच मुझे फिर लगा कि मैं तो क्रांतिकारी बन रहा हूँ लेकिन फिर भी जो थोड़ी मोड़ी आज़ादी मिली है वह भी मैं नहीं जी सकता। व्हेन आई न्यू माई पीपुल वे आर नॉट फ्री, जब मुझे यह पता चला कि मेरे अपने आजाद नहीं हैं, और तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब अपने देश को आजाद बनाना है, भले ही मैं क्रिमिनल बन जाऊं उससे नहीं मतलब है, क्योंकि थोड़ी मोड़ी आजादी जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई है वह कोई आजादी आजादी नहीं है बल्कि वह भी एक स्लेवरी ही है। फ्रीडम इज इंडिविजिबल, आजादी जो है इंडिविजिबल मीन्स जो है अनदेखी है, विच कांट बी सीन, वह देखी ही नहीं जा सकती। द चांस ऑफ एनी वन ऑफ माई पीपुल वेयर द चांस ऑफ ऑल ऑफ देम, करिए कि किसी एक आज़ादी जो है वह इंडिविजिबल है, इंडिविजिबल मीन्स देखने या योग्य नहीं, वह एहसास करने की चीज़ है। यदि मैं तो आज़ाद हूँ, मेरे बगल का, मेरे देश का व्यक्ति, मेरे फैमिली का, मेरे समाज का सदस्य अगर चैन दैट इज दास्ता के बंधन में बंधा है, तो उसके बंधने से मैं भी बंधा हुआ हूँ। आज़ादी, एक की आज़ादी सबकी आज़ादी, एक की गुलामी सबकी गुलामी, इसलिए कह रहे हैं कि नो वन वॉज फ्री इन साउथ अफ्रीका एट द टाइम ऑफ रूलिंग ऑफ द इंग्लिश रूलर्स, एंड ड्यू टू दिस रीजन द हंगर ऑफ फ्रीडम अरोज ग्रेटली एट द ग्रेट एफर्ट अप टू ग्रेट एक्सटेंट इन द हार्ट ऑफ द मंडेला, एंड दैट हंगर पुश्ड हिम टूवर्ड्स द पथ ऑफ क्रिमिनैलिटी फ्रॉम द पथ ऑफ वर्चुअस लाइफ, पीसफुल लाइफ। द चैंस ऑन चैंस ऑन मी आई न्यू, मैं जानता था दैट द ऑपरेसर मस्ट भी, देखो ये इंपॉर्टेंट है, आई न्यू से लेकर के लास्ट तक ह्यूमैनिटी तक, कहने की आई न्यू, मैं जानता था दैट कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ट, कह रहे हैं ऑपरेसर, ऑपरेसर का मतलब जिसे दबाया सताया जाए, ऑपरेस्ड का मतलब, सॉरी ऑपरेसर मीन्स जो दबा सता रहा है, यानी हम आपको दबा सता रहे हैं तो हम ऑपरेशन हैं, और ऑपरेस्ड कौन है, तो ऑपरेस्ड आप हैं जिसे कि ऑपरेसर दबा रहा है, यानी अंग्रेज हम लोग को दबाते थे, अंग्रेज ऑपरेसर थे, हम लोग ऑपरेस्ड थे। तो मंडेला कह रहे हैं कि द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड, यानी जो सताने वाला है, दबाने वाला है लोगों को, वह पहले आजाद होना चाहिए, और ठीक उसे उसी तरह आजादी चाहिए होती है जैसे कि एक सताए दबाए हुए, जिसे सताया दबाया जा रहा है उसे आजादी की जरूरत है। यानी इनके कहना मतलब जैसे अंग्रेज हम लोगों को सता दबा रहे थे, हमारे पूर्वजों को, तो जैसे हमारे पूर्वजों को आजादी चाहिए थी, ठीक उसी तरह से उन अंग्रेजों को भी आजादी चाहिए थी, आजाद होना चाहते थे, लेकिन दोनों की दास्तां में बहुत का फर्क है। जैसे अंग्रेजों को आजाद किस चीज से होना चाहिए, उनकी मेंटेलिटी गंदी सोच से, दूसरों को दबाने से, दूसरों के अधिकारों को छीनने वाली मेंटेलिटी से आजाद होना चाहिए, और हम लोग चाहते थे कि हम लोग आजाद हो जाए उन गंदे लोगों से। दिस इज द की, आई थिंक नाउ क्लियर। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम, कह रहे हैं कि वह व्यक्ति जो दूसरों की आजादी ले लेता है इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड, क्योंकि नफरत ही, हम नफरत करेंगे आपसे तभी आपको दबलना कुछ दबाना कुचलना चाहेंगे, तो ही कह रहे हैं ये
कि एक पर्सन जो दूसरों की आजादी ले लेता है, दूसरे व्यक्ति की आजादी छीनता है, वह व्यक्ति खुद जो छीनने वाला है उसे पहले खुद को आजाद होना चाहिए हैट्रेड से। अगर वो हैट्रेड से आजाद हो जाएगा तो दूसरे का अधिकार छीनेगा ही नहीं। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। कर रहा है प्रिजुडिस मीन्स पूर्वाग्रह, नैरो माइंडेडनेस मीन्स छोटी सोच। कह कि वह व्यक्ति जो सताता दबाता है दूसरों को, ताकत दिखाता है अपनी, वह व्यक्ति तो खुद एक पिंजड़े में जेल में बंद होता है। वह जेल कैसी होती है? प्रिजुडिस में, पूर्वाग्रह में। पूर्वाग्रह मीन्स गलत सोच एंड नैरो माइंडेडनेस संकीर्ण छोटी सोच। आई एम नॉट ट्रूली फ्री। कह रहे हैं कि मैं सच में वास्तव में मैं आजाद नहीं हूँ। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। कह रहे हैं कि मैं अगर दूसरे की आजादी छीन रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मैं खुद सबसे उससे पहले तो मैं पहले स्लेव बन गया, मैं प्रिजन में बंद हो गया, मैं इस गंदी सोच का दास बन गया, तब जाके मैं दूसरे की आजादी छीन रहा हूँ, दूसरे को दास बना रहा हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री। ठीक उसी तरह से जैसे कि मैं फ्री नहीं हूँ, व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, जब मुझसे मेरी आज़ादी छीन ली जा रही है और मैं आज़ाद नहीं हूँ, ठीक उसी तरह से वह व्यक्ति जो हमारी आज़ादी छीनता है वह भी आज़ाद नहीं होता है, क्योंकि हमारी आज़ादी छीनने की सोचते ही पहले तो वो गिरफ्त में आ जाता है गंदी सोच के, वह स्लेव बन जाता है, दास बन जाता है, तब वह दूसरों की आज़ादी लेता है। द ऑपरेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। कह रहे हैं रॉब्ड ऑफ मीन्स लूट लिया जाना, छीन लिया जाना। तो कह रहे हैं कि ऑपरेस्ड वह व्यक्ति जो सताया जा रहा है एंड द पर्सन ऑपरेसर जो सता रहा है, दोनों ही अलाइक एक समान रूप से जो है उनकी मानवता उनसे छीन ली जाती है, मानविक अधिकार जो है छीन लिए जाते हैं, चले जाते हैं, और वो दोनों ही दूसरे के दास बन जाते हैं। यह बात अलग है कि जो सताया जा रहा है वह सताने वाले का दास बन जाता है, और जो सताने वाला है वह गंदी सोच गंदी मेंटलिटी का दास बन जाता है। सो मंडेला इज हियर सेइंग दैट द पर्सन हु वांट्स टू स्नैच द फ्रीडम ऑफ अदर वंस फर्स्ट ऑफ ऑल ही लूजेस हिज ऑन फ्रीडम इन द ग्रिप ऑफ द नैरो माइंडेडनेस, इन द ग्रिप ऑफ द वीक माइंडेडनेस ही बिकम्स लाइक अ कावर्ड फ्रॉम हिज हर्ट। इफ ही बिकम्स अ ब्रेव पर्सन, अ काइंड पर्सन, करेजियस पर्सन, देन ही नेवर वुड स्नैच, ही वुड नेवर स्नैच द फ्रीडम ऑफ द अदर वन। सो ही इज द मोस्ट वीकेस्ट पर्सन देन द पर्सन हु इज ऑप्रेस्ड। एंड इन दिस वे दिस चैप्टर कंप्लीट। एंड टुमारो योर क्लास विल नॉट रन बेटा, क्योंकि बहुत सारी वीडियो हो गई है। टुमारो मैं केवल अपलोड करूंगा सब वीडियो बैठ करके स्कूल में, और